weather. What is the meaning of weather? Yes, weather मतलब होता है मौसम. हाँ, जैसे अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है ना. हाँ, तो weather का मतलब है मौसम. आज हम लोग इस चैप्टर में मौसम के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी सीजन्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उसमें हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्या क्या आता है. हर सीजन के अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अलग अलग होते हैं, तो हम किस तरह से हर सीजन में अलग अलग चीज़ों का मजा लेंगे. स्टार्ट विद आवर हर्बर्ट्स. वेदर डिपेंड्स, विंडी समर कॉटन विंटर वूलन रेनी अम्ब्रेला गमबूट्स एंड स्प्रिंग. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. वेदर डिपेंड्स अपॉन द सन द विंड द क्लाउड एंड द रेन. वेदर जो है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है? सन के ऊपर, विंड के ऊपर, क्लाउड के ऊपर और रेन के ऊपर. वेदर जो है ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है. जैसे आज सन है, तो सन अगर जो मतलब निकला हुआ है अच्छी तरह से तो हमें थोड़ी सी गर्मी लगती है, धूप में बैठने में गर्मी होती है. विंड है, अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है और सन निकला हुआ है तो विंड से भी हमें थोड़ी ठंडक लगती है. गर्मियाँ हैं तो ठंड लगती है, सर्दियाँ हैं तो गर्मियाँ हैं तो थोड़ी ठंडक अच्छी लगती है, लेकिन अगर सर्दियों में तेज़ हवा चलती है तो हमें ठंड लगती है. द क्लाउड, अगर बादल आ जाते हैं और धूप नहीं निकल रही है फिर रेन. When the days are very hot, we say that the weather is hot. जब बहुत गर्मी होती है दिन में तो हम बोलते हैं मौसम गर्म है. When the days are very cold, we say that the weather is cold. और जब दिन में बहुत ठंडी होती है जिन दिनों में तो हम बोलते हैं कि मौसम जो है बहुत ठंडा है, आज बहुत ठंडी लगती है, ऐसे बोलते हैं ना. Similarly, weather may be calm or windy. और इसी तरह से weather जो है वो हवादार और शांत वो भी हो सकता है. वेदर में भी ड्राई और रेनी, और वेदर जो है वो या तो सूखा और या रेनी वो भी दोनों हो सकते हैं. वेदर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. वेदर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. जैसे दिन में अगर गर्मी लग रही है, शाम को ठंड लग रही है, या शाम को थोड़ा ऐसे मौसम नॉर्मल है और सुबह के टाइम हवा चालू हो गई एकदम से, तो इस तरह से वेदर चेंजेस टाइम टू टाइम. इट मे चेंज ड्यूरिंग द डे और नाइट. और ये चेंज होता है डे में और नाइट में भी. जैसे दिन के टाइम में सूरज निकला हुआ होता है तो हमें गर्मी होती है, रात को सूरज नहीं होता है तो हमें ठंड लगती है. फर्स्ट सीजन इज समर सीजन. समर डेज आर वेरी हॉट. समर डेज जो है वो बहुत गर्म होते हैं. दिस मेक्स द एयर वेरी वार्म. ये जो है दिन को बहुत गर्म कर देते हैं. We use fans, coolers and air conditioner to keep ourselves cool during summer. हम लोग फैन यूज करते हैं, गर्मी आती है तो हम लोग फैन चलाते हैं ना. हाँ, फैन यूज करते हैं, कूलर्स यूज करते हैं, एयर कंडीशनर यूज करते हैं. क्यों? ताकि उससे हमें ठंडक मिले गर्मियों के दौरान. तो अगर बहुत गर्मी है तो हम लोग एसी में बैठेंगे कि अरे यार बहुत गर्मी लग रही है ना, तो हम लोग एसी ऑन करते हैं या फैन ऑन करते हैं या कूलर चलाते हैं ताकि हमें ठंडक मिले. वी वियर कॉटन क्लोथ्स टू कीप कूल. हम लोग उस समय ठंडक के लिए कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. अब गर्मियां हैं तो हम स्वेटर तो नहीं पहन सकते ना, तो हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. उस समय हमें मोटे कपड़े भी अच्छे नहीं लगते हैं. वी लाइक टू गो फॉर अ स्विम ऑन अ हॉट डे. हमको स्विमिंग करने जाना भी अच्छा लगता है जब बहुत गर्मियाँ होती है. तो गर्मियों में क्या होता है, पानी जो है वो नॉर्मल रहता है और हम लोग अगर स्विमिंग करते हैं तो हमें ठंड भी नहीं लगती है और अच्छा लगता है पानी में रहना. वी ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. उस टाइम में गर्मियों के दौरान हम लोग बहुत सारा पानी पीते हैं, बार बार प्यास लगती है. वी ईट टेस्टी समर फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड वाटरमेलन. और उस टाइम पे हम लोग टेस्टी जो समर फ्रूट्स हैं मैंगो और वाटरमेलन, वो दोनों समर में ही आते हैं. अप्रैल में जून का जो टाइम होता है उस टाइम में आपको मैंगो और वाटरमेलन मिलता है, तब वो खाने में भी बहुत मज़ा आता है. नेक्स्ट सीजन इज विंटर सीजन. विंटर डेज आर वेरी कोल्ड. विंटर डेज जो है वो बहुत ही ठंडे होते हैं. इट स्नोज इन सम प्लेसेस ऑन द माउंटेन्स. उस टाइम पे किसी भी मतलब काफ़ी सारे माउंटेन्स पर बर्फ भी गिरती है. वी वियर वूलन क्लोथ्स टू कीप अवरसेल्व्स वार्म. हम लोग क्या करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए? वूलन.
स्वेटर है, जैकेट है ना, मफलर है, कैप, टोपी है, जो वूलन कैप है, वो सब पहनते हैं हम अपने आप को गर्म करने के लिए। वी इंजॉय टेकिंग हॉट ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफी ड्यूरिंग विंटर। और हमें इस टाइम पर हॉट ड्रिंक्स मतलब गर्म ड्रिंक्स अच्छी लगती है, जैसे कि चाय है, कॉफी है। वी ऑल्सो यूज हीटर्स और लिट स्मॉल फायर्स टू कीप आवरसेल्व्स वार्म। हम लोग क्या करते हैं, हीटर्स का यूज करते हैं। अगर हम घर के अंदर हैं तो हम लोग हीटर जलाते हैं, और या फिर घर के बाहर हम क्या करते हैं, फायर जलाते हैं जी, जिससे कि हमें थोड़ी गर्माश मिल सके। वी लाइक टू सिट इन द सनशाइन, और दोपहर के टाइम में या सुबह के टाइम में हमें धूप में बैठने में भी अच्छा लगता है। रेनी सीजन, ऑन अ रेनी डे देयर इज हैवी रेन विद थंडर एंड लाइटनिंग। जब रेनी डे होते हैं और बहुत तेज बारिश होती है तो वो एकदम तूफान और बिजली चमक के, जैसे गड़गड़ गड़गड़ होके नहीं आते, बादलों की गड़गड़ाहट से और बिजली चमक के बारिश आती है। द वेदर इज वेट, उस टाइम पे हवा जो है वो बहुत वेट मतलब गीली गीली होती है। वी यूज अम्ब्रेलास, रेनकोट्स एंड कंबूट्स टू गो आउट इन द रेन। अगर हमें रेन में मतलब बारिश में बाहर जाना है तो हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं या फिर रेनकोट, और साथ में गमबूट। गमबूट मतलब वो बड़े बड़े शूज आते हैं, पहन के चलने में हमें बारिश में दिक्कत नहीं होती है। दीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन, और ये सब चीजें हैं ये हमें बचाती हैं रेन से कि हम गीले ना हो। नेक्स्ट इज स्प्रिंग सीजन, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो मूविंग एयर होती है, अभी लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो चलती हुई हवा होती है उसे बोलते हैं विंड। ऑन अ विंडी डे स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, जब हवा वाला दिन होता है तब बहुत तेज हवाएं चलती हैं। व्हेन वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो ट्रीज ऑफन फॉल डाउन, व्हेन एयर मूव्स जेंटली वी कॉल इट ब्रीज। जब बहुत तेज हवा चलती है तो कभी कभी ट्रीज भी गिर जाते हैं, लेकिन जब नॉर्मल एकदम जेंटल हवा चलती है तो हम उसे बोलते हैं ब्रीज। यहाँ पर आपको समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन और स्प्रिंग सीजन के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।